प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज इस टॉपिक का आपको सेकंड वीडियो दिया जा रहा है। पहला वीडियो इसके पहले अपलोड किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं आप सबने उसको एक बार अवश्य देख लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उन्हें वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएगी, जिससे ये टॉपिक, ये जो आज हम पढ़ाएंगे, ये आपको क्लियर हो सके, आराम से आप इसको समझ सकें। ठीक है, एक माइक्रो रिविजन के साथ हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण। रिडक्शन, जिसको हिंदी में अपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपचयन। और ये रिडॉक्स है, इसको हिंदी में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। इसको हिंदी में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। इज दैट क्लियर? एक माइक्रो रिविजन के साथ जान लेते हैं ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, जिससे आगे आपको आसानी रहे। देखिए, इलेक्ट्रॉन, एक आपने मूल कण सुना होगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इसके साथ दो कैटेगरी बनती है बेटा, एक लॉस की बनती है, एक गेन की बनती है। लॉस और गेन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, आप जानते होंगे, देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, पहले वीडियो में आपने देखा होगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। लॉस और गेन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का जब लॉस होता है, जब किसी पदार्थ से, किसी तत्व से इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, तो ये प्रक्रम ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। और जब गेन होता है, क्या होता है? गेन। तो ऑक्सीडेशन के अलावा दूसरा बचा कौन? रिडक्शन। अभी रिडक्शन ही तो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों को गेन किया जाता है, कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। इज दैट क्लियर? एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसको कनेक्ट कहां से कर सकते हैं? लॉस के अंदर ओ पाया जाता है, ऑक्सीडेशन की शुरुआत भी ओ से होती है, तो लॉस बराबर ऑक्सीडेशन। बचा कौन? गेन। और उधर कौन बचा? रिडक्शन। तो रिडक्शन इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? ये आपने कल देख लिया था, मैंने इसको तरीका भी बता दिया था, कैसे आप पता करेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे आप पता करेंगे रिडक्शन हो रहा है। आज जो आपको एक टॉपिक नया देखना है, इसमें एक डेफिनेशन है, वो है अपचायक और ऑक्सीकारक। अपचायक और ऑक्सीकारक, ये डेफिनेशन भी आसान है, समझ लेंगे हम। हाँ, एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आपने ऑक्सीकरण और अपचयन ये डेफिनेशन याद की है, तो ये ज़रा सा भी परेशान नहीं करेगी आपको, तुरंत आपको आ जाएगी, इनफैक्ट आ ही रही है आपको, मुझे थोड़ा सा बताना ही है केवल। तो जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होगा, जैसे देखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन, अपचयन हो रहा है। इसी का उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिस पदार्थ का क्या हो रहा है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, वह पदार्थ अपचायक कहलाएगा। उल्टा हो गया ना भाई, ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकारक कहलाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अपचायक कहलाता है। ये इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है कि ऑक्सीकरण वाले का अपचायक कहलाएगा, अपचयन वाले का ऑक्सीकारक कहलाएगा। इसकी परिभाषा भी इसी हिसाब से बदल जाती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, अपचायक कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं अपचायक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे ही चेंज हो जाती है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने वाले ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने वाले अपचायक कहलाते हैं। अपचायक, जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा वो अपचायक कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसकी उल्टी हो जाती है। जो अपचायक, जो पदार्थ अपचायक है, इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो पदार्थ ऑक्सीकारक है, इसका मतलब उसका अपचयन हो रहा है। थोड़ा सा उल्टा होता है इसमें,
तो आप इसमें एक भी याद कर लोगे तो आप दोनों तीनों बना लोगे, चारों बना लोगे। एक याद करोगे चार बन जाएगा, ये याद हो गया, एक दो तीन चार, चारों प्रक्रियाएं बन गई। भाई हम कहेंगे अपचायक है, अपचायक है इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक। हम कहेंगे ऑक्सीकारक है, अच्छा ऑक्सीकारक है इसका मतलब अपचयन हो रहा है। तो जिस पदार्थ का अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक कहलाएगा और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, यहां पर एक तत्व है ए जो कि अभिक्रिया के बाद जब उत्पाद बना तो इसकी कैटेगरी हो गई ए प्लस। अब ए प्लस हो गई। अब देखिए यहां पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, यहां पर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, यहां पर इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। तो ये जो प्रक्रिया हुई ये कौन सी प्रक्रिया हुई, क्योंकि प्लस चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तब प्लस चार्ज आता है। तो प्लस चार्ज आया इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, बाहर निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो प्रक्रिया कहलाई इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रक्रिया, यानी कि लॉस हुआ ना, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो ये जो प्रक्रिया कहलाई, ये प्रक्रिया क्या कहलाई, इस प्रक्रिया को हमने नाम दिया ऑक्सीडेशन का। क्या नाम दिया, ऑक्सीडेशन का नाम दिया। आई बात समझ में? अब आपने अभी अभी देखा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, अपचायक। तो इस प्रक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हुआ है, यही तो है, इसी का तो हुआ है, तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो पदार्थ अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचायक। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते भाई, दूसरा एग्जाम्पल ए टू माइनस से ए। अब देखो भाई, अब यहां पर आपने, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है यहां पर वो फंस जाएंगे, और जिन्होंने पहली वीडियो देख ली है अगर कॉन्सेप्ट याद हो गया है तो यहां वो निकल जाएंगे। अब ये A2 माइनस है, A2 माइनस से A न्यूट्रल यानी कि जीरो हो गया, उदासीन हो गया, ऑक्सीकरण हुआ है कि अपचयन हुआ है, कौन बताएगा, कमेंट करिए फटाफट, ऑक्सीकरण है या अपचयन है। तो देखिए आइए देख लेते हैं, ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, ये माइनस से कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, माइनस इधर पड़ेगा क्वाड्रेंट में, आगे की तरफ जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्याएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, तब तो जीरो हुआ, माइनस टू बड़ा है कि जीरो बड़ा है, जीरो बड़ा है, तो यहां पर आ गया। अब इसका भी बेटा ऑक्सीकरण ही हुआ है, पॉज कर लो, आइए देखते हैं एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्या प्रक्रिया हुई है, देखिए तो इसमें भी ऑक्सीडेशन ही हुआ है, इसको समझने के लिए आप पहला वीडियो देखेंगे तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। माइनस टू आपका इधर पड़ेगा तो ये वन है, ये टू है, टू से जब गया जीरो की तरफ तो इधर से इधर गया है, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में गया है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। जब सामने की तरफ जाता है तो ऑक्सीडेशन रिवर्स आता है तो रिडक्शन होता है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हुआ इसका। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसके ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा, यहाँ पे चीज़ें कैसी होंगी, इसके ऑक्सीडेशन के बाद जो चीज़ है ये, चूंकि ऑक्सीकरण जिसका होता है वो सब चीज़ें अपचायक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपचायक कहलाती हैं। तो जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अपचायक कहलाएगा, उस हिसाब से ये भी अपचायक ही कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए तीसरा है, अगर इसी को उल्टा कर दें, सेकेंड वाली रिएक्शन हम रिवर्स कर दे रहे हैं, ए से ए टू माइनस चला गया, अब क्या हुआ, ए से ए टू माइनस चला गया, यानी कि जीरो था, जीरो से माइनस टू हो गया। माइनस किसी पदार्थ पर क्या आता है, जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तब माइनस आता है कि नहीं। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन, इसने दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, ग्रहण करने के पश्चात ये क्या हो गया, इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो भैया अगर रिडक्शन हुआ है तो जिस पदार्थ का रिडक्शन होता है आप जानते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं।
जिस पदार्थ का अपचयन होगा उस पदार्थ को यानी कि इसको ए को आक्सी कारक कहा जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था आक्सी कारक और अपचायक में, जो कि हम निर्धारित करते हैं आक्सीकरण और अपचयन से। इसके कई मीजर्स हैं लेकिन सबसे रियल सबसे आसान मीजर्स जो है उसको ज्ञात करने का तरीका यही है। आप इसको जानते हैं क्योंकि ये तो आपको जानना ही पड़ेगा कि किनका आक्सीकरण होगा और किनका अपचयन होगा। आगे आक्सीकरण संख्याओं को निकालने में भी इसका बहुत काम आएगा, समीकरण संतुलन में भी इसका बहुत ही काम आता है ये। तो जब ये चीज़ आप जानते हैं, हम इसको इसी से कनेक्ट करके निकाल लें तो क्या खराबी है, सही है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाता है इस तरह से। एक एग्जाम्पल इसका और देख लेते हैं हम। हमने दो अपचायक के देखे हैं तो दो आक्सीकारक के भी देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल आ गया। अब सपोज करो ए टू माइनस से ये हो गया ए फोर माइनस, दो माइनस से चार माइनस, दोनों तरफ माइनस माइनस हो गए। अब क्या करेंगे? कभी कभी यही सब में कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने आपको क्वाड्रेंट वाला सिस्टम समझाया है। पहले वीडियो में देखेंगे तो मिलेगा ये वाला सिस्टम। इस सिस्टम में कोई दिक्कत होती ही नहीं है। अगर आप ये सिस्टम देख लेंगे और ये याद कर लेंगे तो बेटा आप विश्वास मानिए, आने वाले कभी भी किसी भी समय में किसी भी परीक्षा में आप कहीं भी बैठेंगे, आक्सीकरण और अपचयन संख्याओं से संबंधित किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ये मेरा दावा है आपसे। तो ये आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए 2 माइनस 4 माइनस, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो दो और ज़्यादा ग्रहण किया ना। तो अगर ग्रहण किया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो रिडक्शन होता है। या ऐसे समझ सकते हैं क्वाड्रेंट से, ये माइनस वाला सिंबल ये है, ये प्लस वाला है। माइनस दो है, माइनस दो से किधर आया? माइनस चार की तरफ आया, यानी बेटा रिवर्स आया, पीछे आया, रिडक्शन आर है, तो मतलब ये रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और बेटा ये अगर रिडक्शन हो गया तो ये प्रक्रिया अपचयन की हो गई, अगर प्रक्रिया अपचयन की हो गई तो जो तत्व है वो आक्सी कारक हो जाता है। आई बात समझ में? तत्व आक्सी कारक हो जाता है, तो ये जो तत्व है ये आक्सी कारक की श्रेणी में रखा जाएगा। तो बेसिकली ये था हमारा टॉपिक, जिसमें आपने चार चीज़ें पढ़ ली, आक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, रेडॉक्स क्या है, ठीक है, और अपचायक क्या है और आक्सी कारक क्या है। ये टॉपिक आपको क्लियर हो गए हैं, इनको दोहरा लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आता है आक्सीकरण संख्याओं को ज्ञात करने के नियम या ज्ञात करने के तरीके। तो देखिए ये जो नियम है और ये जो तरीके हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जो जिसको कि मैं आपको लिखवाऊंगा। लिखवाऊंगा का मतलब ये है कि ग्रुप में पीडीएफ चला जाएगा, समझा मैं यहाँ पे दूंगा जैसे ये समझाया है, तो उसके कुछ नियम है, तो वो कुछ नियमों को मैं लिख के उसका पीडीएफ बना के मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां से आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।